साथी सेरा के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो, और अब कोशिश हुई है सेना की कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को आग से नजर रखी जा रही है, बल्कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि इन आतंकियों की लोकेशन को जवान जो है उन आतंकवादियों के साथ लोहा ले रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं अब जो उन आतंकवादियों का सामना हमारे भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं, उनका खात्मा जो है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना अपना जी तोड़ मेहनत लगाकर हर एक प्रयास करके उनको मार गिराने के लिए तत्पर है, और बहुत जल्द जो है वो उनको जी सर सारा इनकाउंटर चल रहा है, भेज रहा हूँ शॉट इनकाउंटर लोग जल्दी करिए। घंटों के बाद अब सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को घेर लिया है। हमारे साथ यहाँ जजरकोटली के निवासी अनिल जी हैं। अनिल जी, 28 घंटे नींद आई है? देखिए, लोग बड़े घबराए हुए हैं और बड़े खुद में हैं जहाँ इस बारे में कल से जो है ये तलाश जो है जारी है, और रात को एक घर में जो है वो ये वहाँ पर उन्होंने चाय शायद पी और वहाँ से वो कपड़े वगैरह चेंज करके जो है वहाँ से फायरिंग चलाई है। जेल दे गए साथ ये भी खबर आ रही है कि एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया है। और आपको हम बता दें कि काफ़ी देर से ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, और अभी भी ये सख्त अभियान और साथ ही साथ ये जो ऑपरेशन है वो जारी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आए जा रही है, इनकाउंटर जो है वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं यही जो वो इलाका है जहाँ पे इनकाउंटर किया जा रहा है। जी हाँ, यही वो इलाका है, कड़ग्याल एरिया इसको कहा जाता है, झज्जरकोटली। झज्जरकोटली से दूर थोड़ा सा ये कटरा को जो रास्ता मीन पैंथल को जाता है, यहाँ पे मिलिटेंट पे अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा। 5 सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान घायल हैं और एक मिलिटेंट को गोली लगी हुई है, लेकिन ऑफिशियली कोई भी अनाउंस नहीं किया गया अभी तक। इनकाउंटर अभी भी चल रहा है। आगे ना जाओ यार, तकाई कर देंगे। चला गया था।
फायरिंग चल रही है अभी जबरदस्त फायरिंग चल रही है फायरिंग सर आगे नहीं जाना देख लो डॉक्टर मुझे यही कहना गया था कि डर के मारे हम क्या बोलें, हमें डर लग रहा है, हम तो अंदर हैं बैठे हुए हैं, बार बार फायरिंग हो रही है। तो सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों को मार गिराने का, रात से यहाँ पे आतंकी आए हुए थे, किस तरह का डर और तनाव में आप रह रहे थे? हाँ हमें डर तो है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या इच्छा, क्या कामना करते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप? भगवान से यही चाहते हैं कि वो पकड़ जल्दी जल्दी पकड़ जाएं बेचारे वो, तो हम भी चैन से इधर रहें, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तो हम थोड़ी बैठ सकते हैं ऐसे। तो फसलें यहाँ पे भी आपकी पकी हैं, खेतों में आपको काम करना पड़ता है, किस तरह की तकलीफ से आप जूझ रहे हैं? यही सोच रहे हैं कि कैसे हम फसल काटेंगे।